गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. आज आप सभी के बीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेशल डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा. और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन पढ़ने के लिए टैग क्वेश्चन आपको आना चाहिए. अगर टैग क्वेश्चन आ रहा है तो डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है. सबसे पहले डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में पहचान क्या होता है उसे पहचानिए. डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड मिलेगा. डब्ल्यू एच वर्ड किसको कहते हैं? तो जितने भी हिंदी में प्रश्न करने वाले शब्द बने हैं, कब, क्यों, किसने, किसको, कहां, कैसे, सबकी इंग्लिश जो बनी उसमें डब्ल्यू एच को रखा गया. व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. हाँ, ये हो सकता है कि डब्ल्यू एच वर्ड में आगे पीछे आए, बट आना ही चाहिए, उसमें डब्ल्यू एच जरूर आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन. और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद जैसा कि टैग क्वेश्चन में मिलता है सेम वैसे ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा. हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है और अंत में क्वेश्चन मार्क मिलता है. ऐसा यदि रूप मिलता है तो बनाने के नियम क्या होंगे स्पष्ट रूप से मैं बता दूं. इसका नियम यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू हो, चाहे सेड रहे या फिर सेड टू रहे. कभी कभी सेड रहता है, कभी कभी सेड टू रहता है. सेड टू कब रहता है? जब आगे ऑब्जेक्ट हो. ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो केवल सेड रहेगा, और यदि ऑब्जेक्ट है तो सेड टू रहेगा. तो सेड या सेड टू को आप आस्क्ड में बदलिए. इसका मतलब यह हुआ कि डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हो या टैग क्वेश्चन हो, आपको सीधे आस्क्ड में बदलना है. जब भी आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आप उसे आस्क्ड में बदलिए. ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया. दूसरा नियम क्या है? रूल नंबर जो सेकंड है उस पर ध्यान दीजिए. रूल नंबर सेकंड यही है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जब जोड़ेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, लेकिन कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे, ना इफ, ना वेदर, कोई कंजक्शन नहीं लगेगा. इसका मतलब ये हो गया कि रूल नंबर सेकंड में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इसके बाद ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है. लिखना क्या है? सब्जेक्ट. इसका ध्यान रखेंगे. मेन फार्मूला है, जोड़ते समय कोई कंजक्शन नहीं लगाना है. जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको रखिए, और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद याद रखिए कि आपको सब्जेक्ट रखना है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है. हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब रखना है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखना है. ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जो है इसे हटा देना है. क्यों हटाना है? क्योंकि जैसे पुट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब टू द सब्जेक्ट है, अब वैसा नहीं रहता है. एसर्टिव होने से सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इसलिए वाक्य जो होता है एसर्टिव हो जाता है. और एसर्टिव होने का मतलब है कि अब आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. और अगला नियम क्या है उस पर ध्यान दीजिए. अगला नियम यही है कि टेंस और प्रोनाउन पुनः पर्वत सर के नियमानुसार, जैसे पहले भी बदले हैं, उसके ही अनुसार आपको टेंस प्रोनाउन बदलना है. और इस नियम के तहत डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है.
तो मैं आपके लिए प्रश्न पहला देता हूं और उस प्रश्न को बेहतर ढंग से समझिए और इस प्रश्न में आपका होगा जबरदस्त टेस्ट, इसलिए इसमें अपना माइंड मेंटेन रखिए और बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस दीजिए। शुरू करते हैं, आपके लिए पहला प्रश्न दिया है दीपक सेड टू रानी। दीपक सेड टू रानी कामन भिडगा में, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। आप मिला लीजिए, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब दिया गया प्रश्न हमारा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है, तो नारेशन में डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन आता है तो इसी क्रम में रहता है और बदलने का जो तरीका होता है वह रूल नंबर फर्स्ट के माध्यम से सेड या सेड टू रहेगा। सेड टू है तो टू कब रहेगा, जब आगे ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो केवल सेड रहेगा। खैर कोई बात नहीं है, सेड हो सेड टू हो दोनों में से कोई भी हो तो आपको सीधे आस्क्ड में बदलना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहां पर लिखिए दीपक सेड टू को आप आस्क्ड में बदल दीजिए, यहां हो जाएगा आस्क्ड। फिर आपके सामने ऑब्जेक्ट रानी है, उसे लिखिए रानी। करना क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ेंगे, दैट लगा देंगे, ये हो गया दैट। और दैट जैसे लगाएंगे हो जाएगा गलत, ऑप्शन में दिया रहेगा याद रखें, न दैट लगाना है, न इफ लगाना है, न वेदर लगाना है, ये भूल जाइए, इसे हटा दीजिए। मैं अभी याद दिलाता हूं, ऑप्शन में आपको कहीं इफ जोड़ देगा, कहीं वेदर जोड़ेगा, कहीं दैट जोड़ देगा, लेकिन ये याद कर लीजिए, इसी वक्त याद कर लीजिए कि डब्ल्यू एच में कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, जो डब्ल्यू एच का वर्ड होगा वही चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बाद ये जो हुयर है इसे रखना है, तो यहां आप हुयर रखिए, याद रखिए। पुनः मैं बता दूं, न दैट लगेगा, न इफ लगेगा, न वेदर लगेगा, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में कोई कंजक्शन नहीं लगता है, इसलिए जो शब्द डब्ल्यू एच का है वही रख देंगे। तो रानी हुयर, जैसे ही लिख देंगे डब्ल्यू एच वर्ड, अब आप डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिए, आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यू, और चूंकि यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, रानी है, रानी नंबर में सिंगुलर, जेंडर में फेमिनिन, अतः यहां पर प्रोनाउन सी होगा, तो सी लिखिए। सी के बाद अब टेंस पर ध्यान दीजिए, आर है, वर्ब में आई एन जी है, ऐसा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे वाज वेयर में से सी के साथ, आप जानते हैं वाज लगेगा, इसलिए वाज लिखिए। सी वाज गोइंग, वेयर सी वाज गोइंग, और अंत में फुल स्टॉप। कभी कभी बनाने के बाद आपको अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देता है, ये गलत हो जाएगा, इस ऐसा विकल्प को आप नहीं मारेंगे, मारेंगे उसी में जो डब्ल्यूएच हो लेकिन अंत में फुल स्टॉप हो। क्यों फुल स्टॉप होता है, एक बार मैं पुनः बता दूं, ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जबकि प्रश्न में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो जब तक पुट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब टू दिस सब्जेक्ट रहेगा तब तक क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो अंत में फुल स्टॉप होता है और आपका वाक्य इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बन जाता है। नारेशन में ये विशेष तौर से इंपॉर्टेंट होता है, देखते हैं कितने लोग का सही है।
देखिए दीपक आस्क्ड रानी वेयर शी वॉज गोइंग, सही है। अंजलि गुप्ता का भी सही है, मंजीत मौर्य का भी सही है, सत्येंद्र कुमार का भी सही है। अभी तो पहला स्टेप मैं दिया हूँ, ये मत समझिए कि सभी लोगों का सही ही हो जाएगा। अभी आपके सामने एक से बढ़कर एक प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न सेकंड मैं शुरू करता हूँ, इसे बनाइए। जैसे जैसे आपको बनाने आएगा वैसे वैसे प्रश्न में कुछ मैं चेंजिंग करूँगा और उसमें देखना है कि आप में कितना दम है। एक प्रश्न और सिंपल आपके लिए देता हूँ। हाउ डू यू नो मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कॉमा में, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाई डू यू, हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। इसे आप लोग हल करें। ही सेड टू मी, हाउ डू यू नो मी, देखते हैं कितने लोगों का सही है। इसे मैं हल भी कर रहा हूं ताकि अदर बच्चे जो साथ में है वो साथ में हो जाए। ही हो गया, सेड टू को आस्क्ड, मी है तो मी, जोड़ेंगे तो कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे, डब्ल्यूच वर्ड को रख देंगे तो इससे यहाँ इस्तेमाल से लिखेंगे, हाउ हो गया। और जैसे ही हाउ लिखेंगे फिर आप यहाँ आ जाइए, यू है, यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है और हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, हाउ आई। अब हमको चाहिए टेंस का नॉलेज, प्रेजेंट इनफिनिट है, जब पास्ट इनफिनिट में बदलेंगे। और चूंकि निगेटिव नहीं है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ नो है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, KNEW न्यू, तो आई न्यू, आई न्यू, आई मी है ना, मी बदलेगा ही के अनुसार, तो मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ही आस्क्ड मी हाउ आई न्यू हिम, ही आस्क्ड मी हाउ, हाउ, देखते हैं कितने लोग का सही है। ही मी हाउ आई नो मी हिम, गलत है, कुछ लोगों का गलत भी है। अब आ रहा है सही जवाब, संजय यादव का सही है, ही आस्क्ड मी हाउ आई न्यू हिम, सही है। मंजीत मौर्य का भी सही है। अभी बहुत लोगों का जवाब नहीं आया है, अभिषेक पर्वत का भी जवाब आया है लेकिन उसमें नो आपने लिखा है, गलत है। ये टेंस को जानना जरूरी है। मैं अभी सिंपल दिया था फिर भी बहुत लोगों का गलत है। अभी टेलर है, पिक्चर ही बाकी है इस डब्ल्यू एच का, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। इस जब उदाहरण देखिए, नियम पढ़ने में तो मजा आता है, उदाहरण जब देखेंगे तो उसमें अलग आपको आनंद मिलेगा। एक प्रश्न देते हैं, राकेश सेड टू रानी, कामन उठे काम है, व्हाई डिड यू इंसल्ट मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज, बनाइए इसे, हो जाएगा राकेश सेड टू को, चूंकि क्वेश्चन मार्क है आस्क्ड में बदल देंगे तो राकेश आस्क्ड रानी। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेज दोनों को जोड़ेंगे तो डब्ल्यू एच टाइप दिखता है ना, तो कोई कंजक्शन ना लगाएं, बस वाई को लिखिए, वाई हो गया। यू है सेकंड पर्सन, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट रानी, नंबर में सिंगुलर, जेंडर में फेमिनिन, और रानी के लिए सब्जेक्ट सीधे सीधे हम सी लिखेंगे। आप देखते हैं तो डीड है और वर्ब फर्स्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो इसे बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट में, तो सी हैड। इंसल्ट का होगा इंसल्टेड,
इंसल्टेड मी है, मी बदलेगा रानी के अनुसार, मी ऑब्जेक्ट है तो रानी के लिए सी, और सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हमारा प्रश्न डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। रानी आस्क्ड, राकेश आस्क्ड रानी व्हाई सी हैड इंसल्टेड हर। राकेश आस्क्ड रानी व्हाई सी हैड इंसल्टेड हर, अंजलि गुप्ता का सही है। अभिषेक पर्वत का कुछ बच्चों ने पूछा है कि इसमें बीन नहीं होगा, ये अभिषेक पर्वत पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं ये वॉयस नहीं है कि आप पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो बीन लगाएंगे, इसमें बीन नहीं होता है क्योंकि इसको पास्ट परफेक्ट में ही रखना है। तो अभी सवाल बहुत सारे बच्चों का सही आया है, संजय यादव का सही है और एक मंजीत मौर्य का जवाब आया है, सॉरी मी है ना, सही जवाब है। राकेश के अनुसार यहाँ हीम हो जाएगा, मी है फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा राकेश के अनुसार। तो अभी मिला जवाब हमें, यस सर हीम होगा। हाँ अंजलि गुप्ता का भी रिटर्न आया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, गलती हो तो उसके तुरंत सुधार करना है। अभी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंजीत मौर्य को जिसने पहले बताया कि सर हीम होगा। बहुत लोग वास्तव में हर कर दिए थे लेकिन आखिर मी है ना, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और आप सब्जेक्ट देख ही सकते हैं राकेश है, तो यहाँ हीम होगा। तो यदि गलती हो जाए तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए प्रोनाउन बदलते समय, क्योंकि प्रोनाउन बदलना सिखा दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, मैं उसे मानूंगा जो एकदम बिल्कुल गलतियों से दूर रहे, उससे गलती एकदम होगा ही नहीं, वह है एयरफोर्स के लायक, वह है बैंकिंग के लायक, वही है नेवी के लायक, वही SSR के लिए है। एक प्रश्न देते हैं और देखते हैं कितने लोग इसे हल कर पाते हैं। प्रश्न अब आपके लिए जानदार मैं शुरू करता हूं। द टीचर सेड टू मी, अब आपका इंटरव्यू शुरू हो गया। द टीचर सेड टू मी, लेकिन बहुत छोटा छोटा प्रश्न देंगे जिसे आप जल्दी कर लेंगे हल। और आगे दिया है हाउ ओल्ड आर यू, इन्वर्टेड कामा क्लोज, सही बच्चे इसे हल करें। हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका हो जाएगा द टीचर सेड टू को आस्क्ड मी हाउ, हाउ के बाद अभी मैं रुकूंगा चूंकि जवाब आना जरूरी है। मंजीत मौर्य का आ गया है जवाब, सभी लोग देख रहे होंगे सुधार कर रहे हैं लेकिन धन्यवाद मंजीत मौर्य को जिन्होंने पहले दिया। द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, अंजलि गुप्ता का भी सही है। संजय मौर्य, द टीचर आस्क्ड मी हाउ आई वाज, अब जवाब सबका आना शुरू हो गया है। इसका हो जाएगा हाउ के बाद, चूंकि हाउ ओल्ड एक ही साथ है तो हाउ ओल्ड एक ही साथ रखेंगे, यू को चेंज करते हैं, यू सब्जेक्ट है मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट लिख देंगे आई, आर है इज एम आर यदि है तो बदलते हैं तो वाज वेयर लगाते हैं, तो आई के साथ तो लगेगा ना वाज, यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, अभिषेक पर्वत का भी सही है और अभी तमाम बच्चों का सही है। प्रश्न अब बेहतर आपके लिए जाएंगे और इसी में पहल बनानी है। अब मैं वेट करूंगा और मैं सबसे उम्मीद रखता हूं कि तेजी से करके जवाब दें, एक दूसरे का आंसर का इंतजार ना करें, अपना खुद का
पहले आप लोग जवाब दीजिए। एक दूसरा प्रश्न आपके लिए है, ही सेड टू विनय, ही सेड टू विनय, कामा इन्वर्टेड काम है, आगे दिया है व्हाई वेयर यू अब्सेंट यस्टरडे, व्हाई वेयर यू अब्सेंट यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये आपका प्रश्न है। और मैं बता दूं, टाइम और प्लेस परिवर्तन अभी मैं नहीं बताया हूं, लेकिन बता दे रहा हूं, स्टरडे को यदि आप बदलना चाहते हैं तो दी प्रीवियस डे में बदल दीजिए। और दी प्रीवियस डे मैं इसलिए बता दिया कि इसको अभी नहीं बताए हैं, टाइम और प्लेस परिवर्तन में बताएंगे, तो स्टरडे को दी प्रीवियस डे में बदलिए और आप इसे हल करिए, देखते हैं कितने लोग का सही है। ही सेड टू को आस्क्ड, विनय जोड़ेंगे तो कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे, व्हाई ही आस्क्ड विनय, व्हाई यहां यू है, यू बदलेगा विनय के अनुसार, तो ही हो गया। अब थोड़ा सा टेंस पहचानिए, मैंने बताया कि प्रेजेंट और अब्सेंट में आईएनजी नहीं लगता है, बट ये है पास्ट कंटिन्यूअस में, चूंकि अब्सेंट प्रेजेंट में मैंने बताया था कि टाइम आर टेंस में मैंने बताया है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता, कहीं प्रेजेंटिंग अब्सेंटिंग नहीं होता, बट तो है ये वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ही हैड बीन अब्सेंट, आई स्टर्डे को दी प्रीवियस डे में, तो ही आस्क्ड विनय व्हाई ही हैड बीन अब्सेंट द प्रीवियस डे, ही आस्क्ड विनय ही हैड बीन अब्सेंट द प्रीवियस डे, अंजलि गुप्ता का सही है और मंजीत मौर्य का सही है और सत्येंद्र कुमार का भी सही है, लेकिन ये देख आप सबका सही है, सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक आदमी का गलत है, वो है प्रिंस चौहान, सुधार करे टेंस परिवर्तन में, नहीं प्रिंस चौहान का भी सही है और विवेक कुमार का भी थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है, विवेक कुमार का गलत है, प्रिंस चौहान का बिल्कुल सही है, तो ऐसे सही बच्चे लगे हैं, लेकिन वास्तव में आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रश्न जो भी दिए जा रहे हैं बेहतर होंगे, और अभी हमने इस सिस्टम से ही पढ़ाना शुरू रखा था, चूँकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कूद फान करके पढ़ाऊँ, लेकिन आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि 5 जून से जो जून से पढ़ाई होगी वह आप लोगों के लिए स्पेशल होगी, और पूरा टोटल उसमें डिफेंस के बच्चे पढ़ पाएंगे, अदर बच्चे उसमें नहीं रह पाएंगे, यह एक लाभ उसमें होने वाला है। और जूम ऐप्स आप लोग लोड कर लीजिए, और बाकी मैं लिंक द्वारा भेजूंगा, कल विजय सर को कनेक्ट किया था जूम विधि से, उसमें 250 बच्चे पढ़ सकते हैं और सबका नाम नहीं चेहरा दिखाई देगा, तो ऐसा होने वाला है 5 जून से। उसके लिए जो नए बच्चे हैं वह अपना एडमिशन करा ले, अभी ऑफर विधि चल रही है, काफ़ी कम पैसे में पढ़ने को मौका मिलेगा, टेक का अलग चलेगा, नॉन टेक का अलग चलेगा, 11th का अलग चलेगा, 12th का अलग चलेगा, तो ये फुल पीरियड आप लोगों के लिए अलग अलग बनाए जाएंगे, और उसमें सही बच्चे उसका लाभ उठाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्हाट्सएप नंबर है बहुत पुराना मेरा, 97-95-620-967, और कुछ ऐसा हम जूम ग्रुप बनाएंगे, जूम ग्रुप में आप अपना अपना नाम दे देंगे, वो जूम ग्रुप में जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन करा लिए हैं वो तो उनको मौका मिलेगा ही, जो नए बच्चे आए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, बट उनको अपना पे करना पड़ेगा। फी के बारे में मैं बहुत ही जल्दी बता दूंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि 5 जून से जूम विधि से पढ़ाई शुरू होगी। अभी आपके सामने प्रश्न और जाने बाकी हैं, और आप इस प्रश्नों को हल करें। अभी इस बार कुछ और कोरोना वाले में बढ़िया से बढ़िया नियम आपको पढ़ने को मिलेंगे, कुछ क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे नियम ऐड किए गए हैं,
एक प्रश्न देते हैं. ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामैन भटे काम है, व्हाट इज योर नेम. ये डब्ल्यूच के छोटे हैं बट हीरे से कम नहीं. इस प्रश्नों को करने में काफी लोग गलती कर देते हैं और अक्सर ये ही पूछे जाते हैं. तो लगता तो है कि बड़ी सिंपल दे दिया है, लेकिन होता है बच्चों के लिए कठिन. देखिए कैसे बनाते हैं. ही हो गया सेटू को आस्क्ड, मी और दोनों को जोड़ेंगे ना तो कोई कंजक्शन नहीं, व्हाट लगा देंगे. ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट होता है, योर बदलेगा मी के अनुसार. तो व्हाट माई नेम इज है ना, वाज कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, देखते हैं कितने लोग का सही है. ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, मंजीत मौर्य का सही है. ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, अभिषेक पर्वत का सही है. दो लोग बहुत तेजी से जवाब दिए हैं इस बार. सत्येंद्र कुमार आपका भी सही है, आप ही लाइन लेंथ में है. ये है स्पीड. अब स्पीड का मजा तो ये अभी देखने को मिल रहा है ना, इसमें यही है. आप तैयार रहिएगा, अगला प्रश्न देते हैं, समय नहीं देंगे ज्यादा. अब न्यू प्रश्न आपके लिए आने आ रहे हैं और उसे आप हल करें, और उसी बीच में एक मिनट में अंदर सभी बच्चे कर लें. अभी मैं इंतजार कर रहा हूं कितने लोग आ रहा है सही जवाब. अभी बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं. अब एक प्रश्न देते हैं और उसे आप हल करेंगे. विजय से टू मी, विजय सेड टू मी, काम इन्वर्टेड काम है. व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट. पहले तो मैं जवाब देखूंगा, तब मैं हल करके दिखाऊंगा कितने लोग इसको कर पा रहे हैं. विजय आस्क मी व्हाट आई वांटेड, मंजीत मौर्य बिल्कुल सही जवाब है आपका. और वास्तव में इस ग्रुप में आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ, बहुत तेजी से कर रहे हो. अभी अदर लोगों का नहीं जवाब आया, अभी लोग इंतजार कर रहे हैं. अब आना देखिए, संजय वर्मा को भी धन्यवाद, लेकिन अब आ रहा है जवाब, अब आने शुरू हो गए हैं. और देखते हैं व्हाट आई वांटेड सबका आप सही है लगभग. तो देखते हैं इसे बना भी देते हैं, मिलाइए अपना अपना सही जवाब. विजय सेटू को आस्क्ड मी कर लीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा व्हाट. अब देखिए आज मैं बता दे रहा हूँ, मैं विधि लाइन बाय लाइन बता रहा था. अब दो चार दिन पढ़ाने को मेरे पास मौके हैं. अब इसमें मैं हर टॉपिक को अलग अलग विधि से दो चार दिन मैं यूट्यूब पे पढ़ा ले रहा हूँ. और सिस्टम से यदि पढ़ना है तो आपको जूम से आना होगा, जूम विधि से पढ़ाई जाएगी. और यूट्यूब से नारेशन में आज तक यहाँ तक पढ़ाया मैंने, कल और बेहतर से बेहतर टॉपिक हर जगह से उठा उठा के दो चार दिन पढ़ा लेते हैं. और उसके बाद 1 जून और 2 जून को पूजा करेंगे. पूजा करने के बाद उम्मीद करते हैं, जैसा कि मेरा 1 जून से पूजा होने वाला है सर विश्वनाथ के स्थान पे, और आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा. हर धार्मिक मंदिरों के दरवाजे खुलने जा रहे हैं क्योंकि पर्वत सर पूजा करने जा रहे हैं. ये ऐसा न्यूज़ सुनने को भी मिलेगा उम्मीद करते हैं माँ सरस्वती के दरबार में. और बहुत कम समय में आपके सामने ऑफलाइन भी पढ़ाई होगी. इंतजार की घड़ी समाप्त. मैं बता रहा हूँ बड़ा नुकसान हुआ है, अब तक कितने लोगों की नौकरी दे दी होते आप कल्पना भी नहीं कर पाते. लेकिन दुर्भाग्य है, ठीक है आप लोगों को घर पे बैठने को मिल गया, लेकिन अब तक SSR का फिजिकल हो गया होता. जो बच्चे एग्जाम निकाल करके बैठे हैं दौड़ रहे हैं, उनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, या फिर एयरफोर्स का नहीं दे पाए हैं वो लोग भी देते, अब तक हो गया होता. और मेरा फार्म आने वाला होता जून में, एक नया फार्म, तो ये नुकसान हुआ है. लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भरपाई अभी तत्काल हम जूम से शुरू कर रहे हैं.
जून से जून में 5 तारीख को, 5 हमारे लिए शुभ अंक है, और पूजा करने जा रहे हैं तो हर धार्मिक मंदिरों का स्थान गेट खुलने जा रहा है 1 जून से। तो इस रौनक के साथ आपके बीच हम उपस्थित होंगे, लेकिन कुछ बेहतर प्रश्न देते हैं और आपका देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है। प्रश्न आप देखते जाइए, करते जाइए। देखिए, मी लिख दिए हैं आप, व्हाट लिख दिए हैं, व्हाट के बाद आपने टेंस पहचान लिया है, डू है, प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ, पास्ट इंडिफिनिट में जब चेंज करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो व्हाट, लेकिन यू को चेंज करिए मी के अनुसार, आई, आई वांट का हो जाएगा वांटेड, फुल स्टॉप। विजय आस्क मी व्हाट आई वांटेड, विजय अभी देखिए, अभी तो हम लोग का टाइम 9:45 से था, लेकिन हर एक बैच का टाइम फिक्स हो जाएगा कि कितने बजे से एक्स ग्रुप का चलेगा, कितने बजे से वाई ग्रुप का चलेगा, कितने बजे से 11th का क्लास चलेगा और कितने बजे से 12th का क्लास जो है चलेगा। हर एक क्लास को अलग अलग बैच अनुसार आपके बीच में रखा जाएगा। उसके लिए आप, विजय सर का भी व्हाट्सअप नंबर है, मेरा भी व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नंबर भेजिए। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, एक जूम ग्रुप बना करके हम लोग जोड़ना चाहेंगे कि केवल वही बच्चे रहेंगे जो हमारे यहाँ एडमिशन कराए हैं, चाहे एडमिशन कराना चाहते हैं, उनका नया नाम होगा, क्योंकि जो पहले का ग्रुप है उसमें पुराने ही बहुत बच्चे हैं जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो एक नया जूम ग्रुप होगा डिफेंस का, डिफेंस जूम ग्रुप, उसमें एडिशन करने वाले लोग, जोड़ने वाले लोग 3 होंगे, आ तीनों के पास व्हाट्सअप नंबर आपका जाएगा और लोग जोड़ेंगे और उसमें बताया जाएगा कि कौन सा बैच कितने बजे से चलेगा। तो ये विधि में लगने में हमको लग रहा है कि 2-3 दिन लगेगा, हम लोग भी लग गए हैं, लेकिन 5 जून से जूम से पढ़ाई होगी और जोश में आपको भी रहना है। तो ये तो आपका प्रश्न हल हो गया, एक प्रश्न और देते हैं और इसे आप हल करिए, आज उसी के लिए विशेष मीटिंग होने जा रही है। अदर बच्चों को भी बताइए कि डिफेंस में जुड़ना है तो आपका मौका आ गया, इंतजार की घड़ी समाप्त। प्रश्न अब देते हैं आपके लिए का अगला, सुषमा से टू मी, सुषमा सेड टू मी, कामायन भट्ट गांव है, सुषमा से टू मी कामायन भट्ट गांव, हु आर यू, इसे हल करिए। ये हो जाएगा सुषमा सेड टू को आस्क्ड, मी जोड़ेंगे तो हु आर, हु है ना, तो हु के बाद यू को चेंज करिए मी के अनुसार, तो हु आई, आर है तो आई के साथ यहां बदल जाएगा तो वाज, सुषमा आस्क्ड मी हु आई वाज, सुषमा आस्क्ड मी हु आई वाज। अंजलि गुप्ता का भी सही है, अभिषेक पर्वत का भी सही है, अब तमाम भाई हुम कर दिया है, कौन है ऐसा नारेशन पढ़ने वाला, संजय यादव लाख में दिमाग को ना करो, बता रहा हूं वॉयस नहीं है, नारेशन है। अभी तो तुम लोग को हम स्वागत करना चाहते हैं, एकदम होश में रहना है। एक प्रश्न और देते हैं, आई कहीं कहीं देता, आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड, आई आस्क्ड कामा इन्वर्टेड काम है, व्हाट हैपेंड, आप देखिए कहीं कहीं पहले ही आस्क देता है, तो अब उसको आस्क में मत बदलो, तुम घबराओ नहीं, वही रख दो, तुम्हारे लिए काम कर दिया है, तो इसे आप लोग बनाइए। तो क्या होगा, आई आस्क्ड है, आस्क्ड कर दो, जोड़ोगे तो व्हाट लिखो, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, पास्ट इंडिफिनिट, तो इससे पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो व्हाट हैड, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दो हैपेंड।
तो आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, रंजीत वर्मा का सही है, मंजीत मौर्य का सही है और अभिषेक पर्वत का भी सही है, सरफराज अहमद का देखिए मैं सही बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रॉब्लम क्रिएट जो भी होगा वो सॉल्व होगा बाय फोन बाय व्हाट्सएप। अभी क्लास चल रहा है, क्लास का मजा लीजिए और बस बता दिया गया कि कैसे कैसे होना है और सबको मैसेज चला जाएगा और मेरे तरफ से डिफेंस जूम ग्रुप एक बनेगा, जो बच्चे अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट में उपस्थित हैं उनको उस जूम द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसमें 200 से 250 बच्चे जूम के द्वारा पढ़ सकते हैं और उसमें का जो एडमिशन कराए रहेंगे वो उनका ऑफलाइन में ही ऐड रहेगा, वो ऑफलाइन में भी मान्य रहेगा, इसलिए हम केवल चाहते हैं पढ़ाई आपके पीछे ना जाए। एक उदाहरण और देते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामे, विच क्लास डू यू रीड इन, इन्वर्टेड कामा क्लोज, आई सेड टू हर विच क्लास डू यू रीड इन। इसे यदि आप हल करते हैं तो यहां हो जाएगा आई सेड टू को आस्क्ड, आई आस्क्ड हर जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा विच क्लास, एक साथ रहेगा। यू को चेंज कर देंगे हर के अनुसार, यू सब्जेक्ट है तो हर का सब्जेक्ट हो जाएगा सी, और सी के बाद आप टेंस देख लो प्रेजेंट इनफिनिट है, पास्ट इनफिनिट में बदलेंगे तो रीड का स्पेलिंग वही रहेगा बट पढ़ते हैं रेड, तो रीड हो गया इन, तो आई आस्क्ड हर विच क्लास सी रीड इन, आई आस्क्ड हर विच क्लास सी रीड इन, सही है सरफराज अहमद का, मंजीत मौर्य का, तमाम जो बच्चे जुड़ करके पढ़ रहे हैं उनका मैं देख रहा हूं परफॉर्मेंस बेहतर है, एकदम काफी अच्छा है। और चलते चलते एक प्रश्न और मैं दे दूं आपको, इसे भी हल करिए। प्रश्न है सुलेखा से टू विनोद, सुलेखा सेड टू विनोद कामन भड़का में आगे दिया है हाउ मेनी पेन्स हैव यू, हाउ मेनी पेन्स हैव यू। सुलेखा सेड टू विनोद हाउ मेनी पेन्स हैव यू, इसे हल करें तो हो जाएगा सुलेखा सेटू को आस्क्ड विनोद जोड़ेंगे तो ये डब्ल्यू एच वर्ड को रख देंगे यहां तक, हाउ मेनी पेंस एक साथ रहेगा, यू चेंज होगा विनोद के अनुसार तो ही हो जाएगा, हैव है तो ये हो जाएगा हैड में। सुलेखा आस्क्ड विनोद हाउ मेनी पेंस ही हैड, हाउ मेनी पेंस हैड ही किसी ने लिख दिया है, ही हैड होना चाहिए, हैड ही लिखे हैं अभिषेक पर्वत उनका गलत है, ही हैड जिनका है उनका सही है, बाकी सभी सरफराज अहमद का सही है,
रंजीत वर्मा का सही है, इन सारे बच्चों का सही है। अब एक आखिरी प्रश्न है WSA, इससे ज्यादा आपको प्रश्न देने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूं। ये मेरा आखिरी प्रश्न है WH क्वेश्चन से, और WH क्वेश्चन में यही प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। अब डिस्टर्ब करने का समय खत्म हो चुका है, एक प्रश्न देते हैं, इसे आप हल करेंगे। अंशु सेड टू हर मदर, अंशु सेड टू हर मदर, हाउ आर यू, इसे बनाइए। इसका जवाब हो जाएगा अंशु सेटू को आस्क्ड हर मदर, अंशु आस्क्ड हर मदर, दोनों को जोड़ेंगे हाउ। अब यहां देखिए आर है और इसके आगे पहले आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, हर मदर के अनुसार यू को चेंज करेंगे तो सी लिख देंगे, और आर है तो ई जे मार रहेगा तो उस बदलते समय वाज वेयर में से सी के साथ वाज लिख देंगे, हाउ सी वाज। अंशु आस्क्ड हर मदर हाउ सी वाज, अंशु आस्क्ड हर मदर हाउ सी वाज, सरफराज अहमद का सही है और मंजीत मौर्य का सही है, रंजीत वर्मा का सही है और तमाम जुड़ने वाले बच्चों का प्रयास सही है। मैं पुनः आप सभी को अवगत करा दूं, 5 जून से जूम सिस्टम के माध्यम से आप सभी को लिंक भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, और उस लिंक के माध्यम से आपको जोड़ा जाएगा। जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग जुड़ करके जिम्मेदारी से पढ़ते हैं वही बच्चे उसका लाभ उठा पाएंगे जो समय का ध्यान देंगे। अब ये ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि कहीं घूमने चले जाते हैं बाद में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी तो जाने कि आपके अंदर क्या क्षमता है, इसलिए हमने सोचा है कि अब जूम से पढ़ाएंगे और पूरा विधिवत पढ़ाएंगे, ऑफलाइन की तरह क्लासेज चलेंगे। तो आप सही जुड़ने वाले बच्चों को धन्यवाद, इन्फॉर्मेशन हम लोग आज से देना शुरू कर दिए हैं और जूम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, उसमें सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आपको लिंक भेजा जाएगा। जोड़ते वक्त और टाइम फिक्स होगी, अगर उसमें लेट जुड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो जोड़ते समय आप लोग पहले से इंतजार करेंगे और आपका प्रयास सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मे बी गॉड ब्लेस यू, बेस्ट योर लक।